इंडिया गुड्डी, मंच पे बैठे हुए तमाम संगठनों के साथी, जिनसे खुद मैंने जब मैं भोपाल में पढ़ाई करता था, मैंने खुद प्रेरणा लेते हुए इस राह को चुना कि इस देश में जन संघर्षों के साथ खड़ा होना है, जनता के संघर्षों के साथ खड़ा होना है। विद्या पाटिकर जी यहाँ पे बैठी हुई है। जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो लगातार भोपाल में आया करती थी, काफी सम्मेलन हम लोग अटेंड किए बतौर स्टूडेंट, और आज रात में खड़े हुए देश के तमाम कोने कोने से आए जो इंकलाब को पैदा करने का सपना लेकर और इंकलाब की बातें करकर इस देश में एक नया समाज बनने की सपना देख रहे हैं। तमाम साथियों को क्रांतिकारी की बात करते हुए मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। साथियों, अभी हम लोगों ने एक नक्शे का यहाँ पे इनॉग्रल सेशन में एक उद्घाटन किया और नक्शे से में कुछ कुछ बातें लिखी हुई है, लेकिन आप लोग ने देखा होगा कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया में भी एक नक्शा चल रहा था, जिसमें जो आजकल का संघ गिरोह है, जो एक ऑर्गेनाइज माफिया की तरह काम करता है देश में, उसके द्वारा किए गए कर्मों से पूरा नक्शा लहूलुहान था। हर जगह खून के छींटे पड़े हुए थे, हर जगह लूटमार के छींटे पड़े हुए थे, और हर जगह एक तरह से जो आपराधिक जो इनकी छवि है उसका चित्रण किया गया था। आपने कुछ दिनों पहले एक और तस्वीर देखी होगी, जिसमें देश के किसान से लेकर नौजवान सारे लोग सुसाइड करते हुए, आत्महत्या करते हुए इस देश में के नक्शे में लटके हुए थे। आज जब हम तमाम लोग यहाँ पर बैठ के एक सपने के साथ और एक अलग तरह की जीवन शैली, जिसको हम लोग कहते हैं कि जब लोग नारा लगाते हैं कि विकल्पहीन, विकल्प बचा ही नहीं है, तब हम लोग कहते हैं कि विकल्पहीन नहीं है दुनिया, इस सपने के साथ जब हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो मुझे फैज साहब की वो पंक्तियां नजर आती है कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं आई, और इन पंक्तियों को दिल में लेते हुए, इन पंक्तियों को अपने जज्बातों में लेते हुए हम तमाम लोग समाजवाद जिसका सपना देखते हैं, आज उसको फलीभूत करने के लिए, उसको जमीन पर उतारने के लिए जो भगत सिंह, अंबेडकर और तमाम समाजवादियों ने देखा है, उसको जमीन पर उतारने के लिए आप हम लोग सब लोग यहाँ पे एक साथ इकट्ठा हुए। आप सारे लोग जानते हैं कि आज पूना शहर में, जिस शहर में हम लोग बैठे हुए हैं, मोदी सरकार आते हुए ही, मोदी सरकार के आने के तुरंत बाद एक नवयुवक की हत्या कर दी गई थी। उसका नाम था मोहसिन शेख, और उसके बारे में ही अभी हाल में ही एक हाईकोर्ट से फैसला आया है। आप सारे लोगों ने इस फैसले के ऊपर गौर जरूर किया होगा। उस फैसले में देश का हाईकोर्ट बोल रहा है कि इस नवयुवक का तो धर्म अलग था, इसीलिए तो उसको मारने वाले थे वो लोग प्रोवोकेट हो गए, और प्रोवोकेशन में उन्होंने उसकी हत्या कर दी। ऐसा फैसला आपके देश के हाई कोर्ट से आता है, जिस समय दूसरा कोर्ट आपके देश में दिल्ली में बैठा कोर्ट कह रहा है कि रिलीजन के और कास्ट के नाम पे आप वोट नहीं मांग सकते। इन दो फैसलों पे गौर करने की जरूरत है, क्योंकि घटना आपके शहर से जुड़ी हुई है, इसीलिए बताना चाहता हूं। दूसरा, आपने खुद ही देखा, आपके शहर का एक इंस्टीट्यूट है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसने अगर कहा जाए तो सही मायनों में जब मोहसिन शेख की हत्या करके, जब इस देश में अलग अलग लोगों का मुंह बंद करके, जब इस देश में तमाम लोगों की जवानों पर ताला लगा के ये कोशिश की जा रही थी कि कोई रस्म चलाई जा रही थी कि कोई सर न उठा के चले, उस समय संघ गिरोह की कबर खोदने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई आप उस शहर में बैठे हुए लोग। जिस समय खौफजदा माहौल तैयार करने की कोशिश की जा रही थी, आप देखते हैं कि अक्षर धाम जो वर्डिंग आया, जैसे ही मोदी सरकार आती है और 15 लोगों को, जिनको निर्दोष लोगों को फंसाया गया था आतंकवाद के मुद्दे पे, वो लोग रिहा होते हैं। जिस समय पूरे देश में खौफ था, जिस समय मोहसिन शेख और ऐसे तमाम युवकों की हत्या कर दी गई, केवल वो लोग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे, और आज कोर्ट भी इस चीज को सही ठहरा रहा है, उस समय आपके ही शहर से एक आवाज उठना शुरू हुई थी, जब FDII के लोगों ने कहा था कि जिनको हमने चुना है वही कहते हैं आज सवाल पूछना पड़ा है। इस शहर के तमाम साथियों को और इस शहर की संघर्षशील गाथा को मैं सलाम करके अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज इस देश में एक ऐसा माहौल चलाया गया है, हम JNU से आते हैं, आप मुट्टी ने पूरा परिचय दिया, और इसके पहले भी हम लोग तमाम संघर्षों में जुड़े रहे हैं, लेकिन
9 फरवरी एक ऐसा सरकार के बाद आने के बाद 9 फरवरी का वाकया एक ऐसा वाकया बन गया जिसमें हम लोगों को हम लोगों के तमाम मुद्दे जिन मुद्दों पर हम लोग लड़ते हैं आके बाद वाकई में हम लोग समाजवाद के लिए लड़ते हैं देश में, वाकई में हमारी यूनिवर्सिटी में हम लोगों ने इस चीज को इंश्योर कराया है कि समाजवादी विचारधारा जमीन पे उतरेगी, केवल किताबों में बन के नहीं रह जाएगी, केवल थियोरेटिकल बन के नहीं रह जाएगी। हम लोगों ने वहां पे सबसे कम पैसे में सबसे देश की सबसे अच्छी शिक्षा, सस्ती शिक्षा और सबसे अच्छी शिक्षा का जो जो सपना है उसको जमीन पे उतार के दिखाया। जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है, जेएनयू एक ऐसा विश्वविद्यालय है जहां पे तमाम गरीब तबकों से आने वाले लोग, तमाम जिन जातियों को साल दर साल मार्जिनलाइज्ड हाशिए पर ढकेला गया है वहां से आने वाले लोग, तमाम मार्जिनलाइज्ड तबके के जो इलाके हैं वहां से आने वाले लोगों के लिए लड़ के लोगों ने वहां पे जगह बनाया है। लेकिन जब पूरे देश में जेएनयू को जलवाने की कोशिश की गई, इस सरकार ने, इस सरकार के जो चापलूस चैनल है उन्होंने इस देश में जेएनयू को जलवाने की कोशिश की गई, तो किस तरह से जेएनयू को हम लोगों ने मतलब एक लार्जर पब्लिक ने जाना कि यहाँ पे एंटी नेशनल लोगों का जखीरा है। अभी तमाम लोग आपसे कल से आज से लेके कल तक आपको एंटी नेशनल मिलेंगे, हम पूरे जेएनयू वालों को एंटी नेशनल कहा गया। कल गौहर राजा जी आएंगे, उनको भी एक चैनल है जो सरकार का एकदम सगा भाई टाइप का चैनल है जी न्यूज, उसने भी बोला कि वो भी एंटी नेशनल है क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी कविता लिखी। अपूर्वानंद आएंगे, उनको भी बोला गया कि एंटी नेशनल है क्योंकि उन्होंने माइसान उमर खालिद नाम से एक आर्टिकल लिख दिया। और ऐसी तमाम कोशिशें की गई। जब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारी फेलोशिप मत रोकिए, क्योंकि आप जानते हैं पिछले साल सरकार डब्ल्यूटीओ में शिक्षा को भेजने जा रही थी, और ये बात यहाँ पुणे के लोकायत के साथियों ने उठाई, देश में तमाम घूम घूम के हम लोगों ने ऑल इंडिया फोरम के बैनर के तले इस चीज को उठाया, लेकिन उनको ये सब नागवार गुजरा। उन्होंने कहा ये तो हमारी कलाई खोल रहे हैं, जैसे कि अभी साथियों ने गाने में बताया था कि बातें देश की करते हैं लेकिन सारा डीलिंग विदेश से करते हैं, तो इस देश की शिक्षा को जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन है उसको डब्ल्यूटीओ में बेचने जा रहे थे, और उसके लिए जरूरी था कि उसमें सबसे बड़ा हमला करना। वो हमला किया फेलोशिप रोक के। तमाम सालों से आप जानते हैं स्कूलों को बंद किया जा रहा है, सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, अब बारी थी सरकारी यूनिवर्सिटीज की कि उसको कैसे बंद किया जाए। तो ये डीलिंग हुई कि पहले फेलोशिप बंद करते हैं, जो सबसे बड़ा एक माध्यम है उसको बंद करते हैं, लोग खुद ही अपने आप प्राइवेट स्कूलों में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाएंगे, और ये कोशिश की गई। उसके बाद आपने देखा रोहित वेमुला की सांस्थानिक हत्या की गई, और जब उसके खिलाफ जेएनयू और देश की तमाम यूनिवर्सिटीज के लोग आवाज उठाना शुरू किए, तो जो लीडिंग यूनिवर्सिटी थी, जो देश में एक नेतृत्व की भूमिका में यूनिवर्सिटी थी, उसके तमाम लोगों को एंटी नेशनल बोला गया। ये बात मैं इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि आप देखिए देश को इस तरह के तमाम बाइनरीज में बार बार बांटा जा रहा है। आपको कभी बोला जाएगा कि आप लोग नेशनल और एंटी नेशनल के बारे में चुनिए, और ये एंटी नेशनल और नेशनल का डाटा चलता रहना है। आप अगर डिमोनेटाइजेशन के खिलाफ बोल रहे हैं तो आप एंटी नेशनल हैं। आप अगर बोल दिया कि 110 लोग लाइन में खड़े खड़े उनकी मौत हो गई और उनको शहीद बोलिए तो आप एंटी नेशनल हैं। और जिस चीज को ये लोग बार बार कहते थे, आप कुछ भी बोलिए तो कहते थे देखिए सेना पर जवान, सीमा पर जवान। आज सीमा पर जवान ने एक बात उठाई तो वो भी एंटी नेशनल हो गया। और इस तरह से ये गाथा चलती रहती है, और आपको किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पे बात करने से रोका जाएगा। कल ही देखिए जैसे ही चुनाव उत्तर प्रदेश में चुनाव शुरू हुआ है, वो आरएसएस के एक साहब है, उन्होंने क्या बोला कि इस देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, और कोट किया अंबेडकर को, अंबेडकर को कोट करते हुए बोला कि इस देश से आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। अरे भाई अंबेडकर को कोट कर रहा है तो पहले ये कहो कि इस देश से इनइक्वालिटी खत्म हो जाना चाहिए, पहले आरक्षण खत्म होने की बात। अगर अंबेडकर को वाकई में कोट करना चाहते हो तो कहो कि इस देश से मनुवाद और ब्राह्मणवाद खत्म हो जाना चाहिए, तब आरक्षण खत्म करेंगे। आरक्षण तो एक टूल है इस देश से कास्ट पर रिलेट करने का, लेकिन वो बात इनको समझ में नहीं आती। इसके पहले जब बिहार चुनाव शुरू हुआ था तब भी इस तरह की बातें की गई थी,
आप जानते हैं कहीं भीत के नाम पे, कहीं आरक्षण के नाम पे ये समाज को इसी तरह बांटते रहते हैं। फिर जो आरक्षण के पक्ष में बोल देगा वो एंटी नेशनल हो जाएगा और उनकी बातों में जो हाँ से हाँ मिलाएगा, जी हजूरी करेगा, वो नेशनलिस्ट हो जाएगा। इस तरह का पूरे परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है। और ऐसे समय में हम लोगों का ये जमावड़ा, हम लोग जो लोग एक तरह की बातें सोचते हैं, सही कहा कुटी ने, हम लोग अलग अलग काम करते हैं और डिफरेंसेस भी है, कोई दिक्कत नहीं उन डिफरेंसेस से, लेकिन हम लोग एक तरह के समाज का सपना देखते हैं जहां पे गैर बराबरी खत्म हो जाए, जहां पे किसी तरह का शोषण मौजूद ना हो, जहां पे समानता रहे, जहां पे समता पूर्ण समाज हो, जहां पे सेकुलरिज्म हो, और इसके खिलाफ खड़ा जो आरएसएस है, हम उसके खिलाफ एक साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। इस चीज को हम लोग यहां से बोलना चाहते हैं, हम लोग बोलना चाहते हैं कि अपने डिफरेंसेस को बरकरार रखते हुए हम उस जमीन को बचाना चाहते हैं जहां पे डिफरेंसेस रखने की जमीन को खत्म किया जा रहा है। आजाद आप कोई भी बात बोल दीजिए, पहले आप देखिए दंगल फिल्म की एक एक्ट्रेस है जिन्होंने कुछ अपनी बातें रखी और उसको आज तुरंत सोशल मीडिया पे जिसको आज मतलब एक बड़ा हथियार के रूप में ये बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, उस पर लगातार ट्रॉल किया जा रहा है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता उसको ट्रॉल कर रहे हैं और आप थोड़ी सी भी बात रखिए इस चीज की जमीन को खत्म किया गया है। फिल्म एक्टर से लेके छोटे छोटे लोग जो लोग लड़ रहे हैं तमाम जगहों पे, जो लोग कुड़कुनम में लड़े, जो लोग टीआईआई में लड़े, जो लोग अमेरिका परिहार चुनी सर्किल में लड़े, उन लोगों का मतलब अपनी बात रखने की भी जमीन को खत्म किया जा रहा है। और इसीलिए इस चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, आज इस समय को रिकॉग्नाइज करने की बहुत जरूरत है कि आज एक जुटता जिसको हम लोग नारे में कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, उसकी क्या जरूरत है, उसकी क्या जरूरत है कि जो देश का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो 1925 से साथी ने बताया, वाकई में इस देश में अगर 1925 से अगर देश को वाकई में किसी ने बांटने का काम किया है तो वो आरएसएस है। इन्होंने आरएसएस के लोगों ने, आप सारे लोग जानते हैं, कभी भी देश की आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लिया, कभी भी भाग नहीं लिया, और जहां पे भाग लेना था वहां से भाग गया हमेशा। और जब बात आई कि भाई देश आजाद हो गया है तो अलग अलग भाग में देश को बांटने की कोशिश करने लगे। कभी इन्होंने हिंदू मुसलमान के रूप में बांटा, कभी इन्होंने जातिवादियों में जो बंटवारा है जिसको हम ग्रेटेड इनइक्वालिटी कहते थे उसको और मजबूत करने की कोशिश की, और कभी इन्होंने देश को आजकल जो बांट रहे हैं वो नेशनल और एंटी नेशनल के नाम पर बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट फैक्ट्री खोल रखी है। और ऐसे समय में इस चीज को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है कि हम लोगों की एकता एक और जो एका है वो इस आरएसएस के जो गोरख धंधा है उसके खिलाफ, जो आरएसएस का जो देश को समाज को बांटने का सपना है उसके खिलाफ। अगर वो कोई सपना देखते हैं तो हम भी समाज में एक सपना देखते हैं। जैसा कि एक कवि थे वेणुगोपाल, उन्होंने कहा था, ना हो कुछ भी सिर्फ एक सपना हो फिर भी हो सकती है शुरुआत, और एक शुरुआत तो है कि वहां एक सपना है। हम लोग भी समाजवाद का सपना देखते हैं और इसीलिए आज आरएसएस के खिलाफ खड़े हैं। इन तमाम बातों के साथ मैं कुछ कुछ चीजों पर थोड़ा अपना फोकस डालते हुए बताना चाहता हूँ कि आज आखिर एक अलग समय हम सारे लोगों को क्यों महसूस हो रहा है। आज जो हम तमाम लड़ाके लोग हैं जो अलग अलग मोर्चों पर अपना लड़ाई लड़ते हैं, वाकई में हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये सरकार आएगी तो एक इतनी बड़ी उपलब्धि कर ले जाएगी। ये अच्छे दिन हम लोगों के लिए वाकई में सही बात, क्योंकि हम तमाम लोग आज इस जरूरत को सबसे ज्यादा महसूस कर रहे हैं कि आइए एक साथ एक हाथ हाथ में हाथ मिलाकर लड़ते हैं, आइए एक प्लेटफॉर्म पे लड़ते हैं और इन लोगों को ध्वस्त करते हैं, इनके ब्राह्मणवाद मनुवाद और संघवाद को ध्वस्त करते हैं। और इसीलिए इस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि आज इस समय को किस तरह से पहचाना जाए। आप सारे लोगों ने देखा कि हम तमाम लोग जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, जेएनयू हो गया, एससीयू हो गया, मुंबई में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज है, आपका अपना पुणे का एफटीआईआई है, कलकत्ता में जादवपुर यूनिवर्सिटी है, बनारस में बीएचयू है, इलाहाबाद में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, और इन सारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले लोग एक शिक्षा के एक सपने के साथ पढ़ते हैं। पहले भी ऐसा नहीं था कि प्राइवेटाइजेशन की लड़ाइयां हम लोगों ने लड़ी नहीं, और पहले की सरकारें तो बहुत अच्छी सरकारें नहीं थी, पहले की सरकारें भी उतनी ही बुरी तरीके से प्राइवेटाइजेशन को हम पर थोप रही थी। प्राइवेटाइजेशन को थोपते थोपते वो एक चीज को
हम लोगों को रियलाइज करवा रही थी कि इस देश में पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी के लिए जगह नहीं बची है। सार्वजनिक शिक्षा, इसमें सारे लोग अपने हक से आके बात रख सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सके, उसकी कोई जगह नहीं बची है। मार्जिनलाइज तबके का स्पेस खत्म हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग पिछली सरकारों में भी सोचते थे, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से नया क्या हुआ है, इस चीज को समझना जरूरी है। इस चीज को समझना जरूरी है कि कैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज में, चाहे वो BHU हो, चाहे वो SCU हो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो RTII हो, इन सारी यूनिवर्सिटीज में एक ऑर्गेनाइज रूप से इन लोगों ने अपने लोगों को बिठाना शुरू किया और फिर उन यूनिवर्सिटीज को एकदम परत दर परत बर्बाद करना शुरू किया। आज दो तीन यूनिवर्सिटीज की एक कहानी उठा के देख लीजिए। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें जिसके साथ ही रोहित बेमला की अभी हम लोग वर्षी मनाते हुए दिल्ली में पुलिसिया दमन झेले, और इन लोगों को ये नागवार गुजरा कि रोहित और नजीब का मामला साथ उठाते हुए कैसे ये लोग मार्च कर सकते हैं। उस सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एक एक साथी जिसका यही सपना था, जिसका सपना था कि इस देश से, इस समाज से कास्ट एनिहिलेट हो जाना चाहिए, जाति का उन्मूलन हो जाना चाहिए, लेकिन वो केवल जाति का उन्मूलन को एक छोटे दायरे में नहीं देखता था। वो देखता था कि इस देश में और भी ऑपरेस्ट सेक्शन है। रोहित बेमला इस चीज को जानता था और इसीलिए रोहित बेमला ने हमेशा से हमेशा, जब संघ गिरोह के लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुजफ्फरनगर बालिया नाम की डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन नहीं होने दी, तो वहां पर लड़ाई लड़के इस चीज को कराया। रोहित बेमला वो साथी थे। उसके बाद आप जानते हैं याकूब मेमन को फांसी हुई, तो कैपिटल पनिशमेंट, इसके खिलाफ कई सारे लोग प्रिंसिपली खड़े हो गए इस देश में कि भाई किसी को भी फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ रोहित बेमला खड़ा होता है। देश में हुए तमाम जो कास्ट एट्रोसिटीज हैं उनके खिलाफ रोहित बेमला खड़ा होता है। और रोहित ऐसा साथी जो इस देश में वाकई में एकजुटता, एकता को स्थापित करना चाहता है, वो साथी को नागवार गुजरा। उसकी सांस्थानिक हत्या कर दी गई। वहां के वाइस चांसलर अप्पा राव, ABEP के लोग, लेबर मिनिस्टर बंदारू दत्तात्रेया और स्मृति ईरानी ने मिलकर, और उसके बाद अब ठीक एक साल बाद की घटना देखिए, जब रोहित बेमला की बरसी मनाते हुए वहां पे उनकी मां चाहती थी कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर जाके अपने बेटे की जो वहां पे एक प्रतिमा स्थापित है, जो वहां पे उनका इस मेमोरियल बना है, उसमें जाके कम से कम कुछ वक्त बिताएं, तो ब्रूटेलिटी का एक आज की अथॉरिटी का एक उदाहरण देखिए। वो यूनिवर्सिटी जो लगातार इस चीज को इंश्योर करा के बैठी है कि जो कातिल है अप्पा राव उसको सजा ना मिले। अभी आपने देखा होगा सारे लोगों ने कि नरेंद्र मोदी जी जो है हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, मतलब हम लोगों को रियलाइज नहीं होता है क्योंकि ज्यादातर सेवा अंबानी अदानी की ही करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने उस अप्पा राव जो एक कातिल है उसको बेस्ट वैज्ञानिक का पुरस्कार दिया। अब आप समझ सकते हैं कि इस सरकार में विज्ञान कैसे सिखाया जा रहा है। अगर जो सबसे अच्छा कातिल है वो सबसे अच्छा वैज्ञानिक है, जो लोगों को अच्छे से कत्ल करके और सारे सबूत, सारी आवाजों को दबा और मिटा सकता है, वो सबसे अच्छा वैज्ञानिक है। और उस अप्पा राव की यूनिवर्सिटी में जब राधिका बेमला, जो आज वाकई में संघर्ष की मिसाल बनकर हम लोगों के सामने खड़ी हुई है, वो जाना चाहती थी, उनको रोका गया। ये सारी चीजें इसलिए बताना जरूरी है कि ब्रूट फोर्स, आज जो शक्ति और सत्ता के दम पे जो अपने जो पुराने समय में अपवाद हुआ करते थे उनको किस तरह से रूल बनाने की कोशिश की जा रही है, आज ब्रूटेलिटी इस सरकार के लिए रूल बन चुका है कि अगर जरा सा भी आवाज उठाओगे तुमको दमन कर दिया जाएगा, तुमको कुचल दिया जाएगा। आज प्रोटेस्ट, आपके लिए प्रोटेस्ट करना एक वाकई में गुनाह बन चुका है, और गुनाह इस बल पे केवल नहीं बनेगा कि आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ सवाल पूछ रहे हैं, गुनाह इस बल पे बनेगा कि आप देश के खिलाफ कर रहे हैं। अगर आप जरा सा भी विरोध प्रदर्शन करेंगे तुरंत ये लोग बोलने लगते हैं कि आप देश के खिलाफ कर रहे हैं। पता नहीं कौन सा देश का सपना ये लोग देखते हैं कि जहां पे प्रोटेस्ट, जहां पे थोड़ी सी आवाज उठना, जहां के लोग लगातार
इस चीज को बोलते रहे कि मतलब आप देखिए कई सारे लोगों ने इस चीज को बोला कि इस देश में प्रोटेस्ट करना कोई गुनाह नहीं है। प्रोटेस्ट एक देश का कल्चर है। यहाँ पे कबीर से लेकर तमाम लोगों ने इस बात को बार बार रखा, अम्बेडकर ने इस बात को बार बार रखा कि प्रोटेस्ट इस देश का कल्चर है। यहाँ पे भगत सिंह खुद कहते गए कि जो एक अंग्रेज तुम जा रहा है लेकिन दूसरे अंग्रेज जा रहा है उनसे भी लड़ना पड़ेगा। उस देश की सरकार आज भगत सिंह को अप्रोप्रिएट करते हुए, अम्बेडकर को अप्रोप्रिएट करते हुए बोलती है कि भाई प्रोटेस्ट मत करो वरना तुम एंटी नेशनल। और ऐसे समय में आप देखिए कि इस फोर्स का यूज कैसे होता है। राधिका वेमुला को उसके अपने बेटे के मेमोरियल के साथ वक्त बिताने का जरा भी मौका नहीं मिलता है, पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है। उसी तरह दिल्ली में हमारे इंस्टीट्यूट से नजीब अहमद, जिसको एबीपी के लोगों ने बुरी तरह पिटाई की, एबीपी के लोगों ने उसकी पिटाई की, वो लड़का 3 महीने से गायब है। एमएससी बायोटेक की पढ़ाई करने आया था वो लड़का। आज आप देखिए, मैंने जैसा बताया कि अप्पा राव को बेस्ट वैज्ञानिक का अवार्ड दिया गया है, नजीब अहमद भी अपने अपने जहन में बेस्ट वैज्ञानिक होने का सपना लेकर उस यूनिवर्सिटी में बेस्ट कोर्स में पढ़ने आया था। बायोटेक्नोलॉजी का कोर्स हमारे पास सबसे अच्छा कोर्स है जिसका ऑल इंडिया टेस्ट होता है। वो पढ़ने आते हैं, एबीपी के लोग उनकी पिटाई करते हैं, 3 महीने से वो गायब है। उनकी माँ अलग अलग मोर्चों पे जाके लगातार न्याय की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक इस सरकार के कान पे जरा सा भी जू नहीं रहेगा। और जिस तरह से रोहित वेमुला की मौत के बाद, रोहित वेमुला की संस्थानिक हत्या के बाद लगातार इस चीज को बताने की कोशिश की गई थी कि रोहित वेमुला दलित है या नहीं है, कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कौन सा उनकी मतलब उन्होंने क्या क्या किया, इस चीज पे ज्यादा फोकस करने की कोशिश की गई थी। उसी तरह से नजीब अहमद के बारे में किया गया। उनकी मां को हमारे वाइस चांसलर जो है, जो संघ के एक बढ़िया से बढ़िया वाले चाकर है, मतलब अच्छे से चाकरी करते हैं, उन्होंने बोला कि तुमको हम कोर्ट में देख लेंगे, तुमको यहाँ पे बार बार आने की जरूरत नहीं है और हम कुछ कर ही नहीं सकते इस मामले में। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपने स्टूडेंट के बारे में ये बोल रहा है। आप तमाम लोग जानते होंगे, यहाँ पे काफी सारे पुराने लोग बैठे हैं, उन लोगों ने भी तालीम हासिल की है इसी देश की यूनिवर्सिटीज से, और वो लोग जानते हैं कि पुराने समय में वाइस चांसलर एक गार्जियन की तरह काम करते थे। लेकिन इस ऑर्गेनाइज क्रिमिनल गैंग संघ का जो वाइस चांसलर है वो कहता है कि हम तुमको कोर्ट में देख लेंगे और हम इस मामले में कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली पुलिस 3 महीने से लगातार अफवाहें फैलाती रही कि नजीब यहाँ है वहां है, लेकिन आज तक कुछ कंक्रीट नहीं किया। और अभी तक यह हाल है कि वो लड़का अभी तक मिला नहीं है, तमाम अफवाहें फैलाने के बावजूद भी। ऐसे समय में इस सत्ता को, इस सत्ता के चरित्र को थोड़ा समझना, मतलब एक बारीकी से समझना जरूरी है कि जो लड़का एबीपी के द्वारा पीटा जाता है, एबीपी के लोगों द्वारा पीटा जाता है और उनको सजा आज तक नहीं मिली है, उनको हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने हॉस्टल ट्रांसफर की सजा दी, मतलब सोचिए कितना बड़ा सजा है कि आप अगर किसी को पीट देते हैं तो एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल ट्रांसफर कर दिया जाता है उस यूनिवर्सिटी में। और ऐसे समय में इस अगर सत्ता के बारे में अगर कुछ बोला जाए तो यही बोला सकता है कि जिसको हम लोग बोलते हैं निरसंस, ये सत्ता एक ऐसी सत्ता है जो वाकई में निरसंस है, जो वाकई में एक अपराध को अपना एक नंग मतलब नेकेड चेहरा बनाना चाहती है, जो खुल के कहना चाहती है कि हम अपराधी हैं और अपराधियों को संरक्षण देते हैं, आप अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो हम आपको इस देशद्रोही साबित करके रहेंगे। लगातार इस तरह की कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ आप देखिए कि समाज में, इस देश में एक और भी बयार चलाने की कोशिश की जा रही है। इस देश में अगर आप कोई भी जनता के वाजिब मुद्दे जिनको कहते हैं, आज तमाम युवा यहां पे बैठे हुए हैं, जब इस सरकार ने मतलब अपने अच्छे दिनों की आमद की, जब अच्छे दिनों का एडवर्टीजमेंट शुरू किया, विज्ञापन शुरू किया, तो हमारे दिल्ली में बड़ी बड़ी होर्डिंग लगी थी जिसमें कहीं पे लिखा था बहुत हुआ नारी परवाद, अब की बार फलाना फलाना सरकार, किन्हीं किन्हीं होर्डिंग में लिखा था कि रोजगारों को मिलेगा रोजगार, अब की बार आ रही है रोजगार की सरकार,
और इस तरह के तमाम गुंडे के वादे दिखाए गए। लेकिन अगर आप देखिए पूरे पूरे दौरान में क्या आपको सरकार ने एक बार भी रोजगार के नाम पे बात करने का मौका दिया है? आज युवाओं को रोजगार पे बात करने का मौका नहीं है। FTII, IITs और JNU जैसी संस्थाओं को तो आप बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। जहां पे थोड़ा बहुत रोजगार पैदा भी हो रहा है वहां पे तो आप युवाओं को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। तो इससे यह साफ साफ प्रतीत होता है कि युवा जो सरकार ये सपना लेके आई थी, जो सरकार ये सपना दिखाते हुए आई थी उस पर बात ही न करें। क्या इस सरकार ने वाकई में इस देश की शिक्षा व्यवस्था कैसे होगी उस पर आपको बात करने का मौका दिया? कभी इस चीज का आपको मौका मिला कि देश के सरकारी स्कूल सरकारी यूनिवर्सिटीज कैसे बेहतर बनेगी? मैं कुछ दिनों पहले अभी गुजरात गया था। गुजरात में एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी हुआ करती थी बड़ौदा यूनिवर्सिटी, जहाँ के कुछ डिपार्टमेंट वाकई में बहुत फेमस थे, जहाँ के कुछ डिपार्टमेंट वाकई में जानी मानी हस्ती रखते थे। लेकिन अभी ये हाल है वहां पे कि सारे डिपार्टमेंट्स एक एक करके बर्बाद किए जा चुके हैं। उनके खुद के जो लैंग्वेज के डिपार्टमेंट्स हैं वहां पे टीचर्स नहीं है। और गुजरात के विकास मॉडल को हम पूरे देश में जानते हैं कि किस तरह से बेचा गया। जैसे आज रिलायंस जियो सिम बेच रहा है वैसे ही गुजरात का विकास मॉडल हमारे बीच में बेचा गया। लेकिन उसका हाल क्या हुआ कि आज इस देश में यह हालत है कि आप विकास के नाम पे वाकई में बात कर ही नहीं सकते। जहां पे आप विकास के नाम पे बात करेंगे, आपने देखा झारखंड में लोग गोली खा गए, बड़कागांव गोलीकांड हुआ जहां पे खुद फिर बीजेपी की सरकार है, वहां के आदिवासी लोग अपनी जमीन की लड़ाई लड़ते हुए वहां पे पूछने गए कि ऐसा विकास कौन काम का जिसका मेला पाटेकर जी बहुत सालों से बात करते आई कि ऐसा विकास किस काम का जिसमें हमारा ही विनाश हो जाए, तो उनको गोली खानी पड़ी। दूसरी तरफ आप देखिए इस देश में विकास के बूट तले विकास के जूते तले तमाम मार्जिनाइजेशन को रौंदा गया। आप देखिए कि ऊना में क्या हुआ, ऊना में दलितों को पीटा गया और उसके बाद पीट पीट के जो गौरक्षक तथाकथित गौरक्षक और मोदी सरकार के सैनिक थे उन्होंने खुली तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की। मतलब कहना साफ है कि हम दरोगा हमारा बैठा हुआ है कुर्सी पे, हम मारेंगे और चीज को दिखाएंगे पूरे समाज को कि हम मार सकते हैं। दूसरी बात आपने देखा हमारे दिल्ली के बगल में दादरी एक जगह है जहां पे अखलाक की हत्या कर दी गई केवल इस चीज को बता के कि उनकी फ्रिज में क्या रखा है। सारा फोकस इस चीज पे हो गया कि फ्रिज में बीफ था या मटन था, कभी मटन बीफ बना कभी बीफ मटन बना कुछ पता नहीं, आज तक सत्य का पता नहीं। जो मारने वाला था उसको राष्ट्र की तरफ से पुरस्कार मिला क्योंकि आप जानते हैं कि उसकी भी मौत हो गई थी जेल में और बाद में जब जेल में उनकी मौत हो जाने के बाद उसको राष्ट्र ध्वज में लपेटा गया। जो आपके कल्चरल मिनिस्टर हैं महेश शर्मा वो जाके उनको श्रद्धांजलि देते हैं और लाखों लाख के उनपे पुरस्कार बरसाए जाते हैं। लेकिन अखलाक के बारे में इस देश में बात नहीं हुई, देश की सरकार ने आपको अखलाक के बारे में बात नहीं करने दी, आपको फोकस कर दिया बीफ मटन मटन बीफ इस पर। आपने देखा झारखंड में भी इसी तरह से नवयुवक की हत्या की गई जिसका नाम मिन्हाज था। मिन्हाज की फैमिली कुछ दिनों पहले दिल्ली आई थी, उसके पिताजी डेली वेज लेबरर है और वो अगर एक दिन काम ना करे तो उनका अगले दिन का रोटी नहीं चलता। लेकिन उसको व्हाट्सएप पे क्या फोटो चल रहा है, व्हाट्सएप पे कोई मास्क का फोटो चल रहा है और वो फोटो पूरा इलाके का लोग वहां का दरोगा जान गया कि ये मास्क बीपी है, इसके नाम पे पीटा गया, पीट पीट के मार डाला गया पुलिस कस्टडी में। उसके बाद उल्टा मिन्हाज के ही फैमिली पे FIR करा दिया। ये सारी चीजें इस देश में हो रही है। इस चीज को बार बार रियलाइज करना इसलिए जरूरी है कि जो हम लोग कह रहे हैं कि वाकई में इस सरकार में नया क्या है, वाकई में इस सरकार के खिलाफ लड़ने की ज्यादा जरूरत क्यों है। अभी साथी निश्चय ने कहा कि हम समाजवादी निराशावादी नहीं होते, सही बात है, हम तमाम लड़ने वाले लोग हम चाहते हैं कि समाज में निराशा ना फैले, लेकिन इस सरकार की साजिश के लिए
इस सरकार की साजिश यही है आपको एंजाइटी के बल पे इतना इतना परेशान करेगी कि आप एंग्जियस होके आपको लगातार एंजाइटी के लेवल पे ढकेला जाए, आपको लगातार निराशा के लेवल पे ढकेला जाए। आज समाज में इस तरह का हाल बनाया जा रहा है। समाज में डिपॉलिटिसाइजेशन को एक रूल बना के छोड़ा जा रहा है। आप देखिए इतना बड़ा नोटबंदी का हमला हुआ, बोला गया पहले नोटबंदी में बोला गया कि काला धन काला धन, जब काला धन का हवा फुस हो गया तो बोला गया कैशलेस कैशलेस। जिस समय मोदी जी कैशलेस कैशलेस बोलते रहे उसी समय आप देखते हैं इनके सारे नेता कैश से लैस होकर अपनी बड़ी बड़ी शादियां करते रहे। आपने देखा गडकरी जी का जो चार्टर्ड प्लेन वाला न्यूज था, सबने सुना होगा। उसी समय रेड्डी बंधुओं के वहां शादी हुई, सबने सुना। और उसी समय बीजेपी की तमाम नेता पैसों के साथ पकड़े गए, छोटे से छोटे भैया नेता से लेके बड़े नेता। हमारे वहां उत्तर प्रदेश जहां पे चुनाव होने वाला था वहां पे 300 मोटरसाइकिलें गिफ्ट बतौर बांटने के लिए बीजेपी ने खरीदी। जिस समय कैशलेस का सारा दुनिया को देश को सपना दिखाया जा रहा था उस समय ये लोग कैश से लैस होकर घूम रहे थे। लेकिन ऐसे समय में भी जनता को ज्यादा से ज्यादा डिपॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई कि आप इस पे मत बोलिए, आप अगर बोलेंगे तो देखिए देश के सीमा पर जवान खड़ा है और आप यहाँ पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, दो दिन लाइन में नहीं रख पा रहे हैं। सारी बातें की गई। वाकई में इस सरकार ने अगर देश में कुछ काम किया है तो इन सारी चीजों को फैलाने का काम किया है। एक तरफ तो नफरत कर दी, विभाजन और ज्यादा से ज्यादा अंधभक्ति, ज्यादा से ज्यादा एंजाइटी, निराशावाद और डिमोटिवेशन। क्योंकि आप अगर आज नोटबंदी पे बात करिए, जहां पे हम तमाम तरीके के प्रगतिवादी लोग पहुंचे हैं वहां पे तो छोड़िए, लेकिन नोटबंदी पे बहुत हलचल नहीं हो रही, बहुत हलचल नहीं होती इस देश में। अगर किसी की हत्या कर देते हैं ये लोग और उसके बाद उसको बेल भी मिल जाती है, कोई देश का हाईकोर्ट कह देता है कि चलिए वो तो अलग धर्म का था, छोड़ दिया गया, तो क्या हुआ। बहुत हलचल नहीं होती इस देश में अगर किसी अखलाक को किसी मिनहाज को मार दिया जाता है, किसी नजीब को इनके संगीनों के लोग गायब करा देते हैं, नहीं होती है। और ऐसे समय में जो हम लोग तमाम लड़ाके लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं उनकी आवाज का इम्पोर्टेंस है, उनकी आवाज का ये जिम्मेदारी है कि इस देश में हलचल को बरकरार रखा जाए। इस देश में हलचल की रस्म के जरिए जो सर न उठाने की रस्म को चलाया जा रहा है उसको डिफीट किया जाए। आज हम लोगों की तमाम लोगों की जो यहाँ पे बैठे लोग हैं उनकी जिम्मेदारी है। अभी साथियों ने जब आजादी का नारा लगाया तो हम लोग वो पिछला साल याद कर रहे हैं कि जब हम लोग उस एड ब्लॉक में हमारे जो एडमिट ब्लॉक था वहां पे खड़े होके जब इन नारों को लगाए, हम लोग क्या नारे लगा रहे थे कि भुखमरी से आजादी, गरीबी से आजादी और संघवाद से आजादी। और इन लोगों को नागवार उतरा तुरंत, और अगले ही दिन डॉक्टर वीडियो आ गए और बोला गया कि देशद्रोही है, देखिए ये लोग तो आजादी का नारा लगाते हैं। अरे भाई इस देश के लोगों ने ही बोला, हम बैठकर बोलते हैं कि पॉलिटिकल इक्वलिटी में तो हम लोग प्रवेश कर जा रहे हैं, संविधान मिल गया है, लेकिन सोशल इक्वलिटी तब आएगी जब देश के कोने कोने से आजादी का नारा गूंजेगा, जब देश के हर एक तबके से ये आजादी का नारा गूंजेगा। भगत सिंह ये चीज बोल के गए हैं। और तुम लोग जो उनको लगातार अप्रोप्रिएट करते रहते हो, जो उनके नाम पर बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवा रहे हो, कहीं सोने की कहीं तांबे की, वही लोग कहते हो कि ये आजादी के नारे लगाने वाले देशद्रोही, ये कौन सा आपने क्या चला के रखा है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। बस अंतिम बात के बतौर मैं कुछ बातें बोलना चाहता हूं जिसको आज इस यहां पे सभागार में बैठने के बाद उसके बावजूद पास यहां पे जब हम लोग निकलेंगे तो किस दिशा में आज यहां पे बैठी हुई जो बातों को हम लोग सुनेंगे, उन पे बातचीत करेंगे, तो उसको किस दिशा में सोचेंगे, किस दिशा में ले जाने का कोशिश होगा। आज जब जैसा कि मैंने बोला कि एंजाइटी, निराशावाद, डिमोटिवेशन, इसके दम पे एक राजनीतिक धारा खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, वैसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि हम एक पॉजिटिव करंट के जरिए
सकारात्मक रचनात्मक करण के जरिए इस समाज में वाकई में जो बोलने वाली आवाजें हैं, जो प्रतिरोध की आवाजें हैं, उनको एक साथ खड़ा करकर इस समाज को बेहतर बनाने का जो हम लोगों ने सपना देखा है, और साथ ही साथ इस संघ के लोगों को जिसका सपना यही है कि समाज को ज्यादा से ज्यादा बदतर बनाया जाए, उसके खिलाफ हमें होने के लिए हम लोगों को एक साथ खड़ा होना होगा। हम तमाम युवा जो वाकई में इस समाज में संघवाद से, जातिवाद से, मनुवाद से आजादी का सपना देखते हैं, उनको एक साथ खड़े होने होगा, हमको डिफीट करना होगा। आप सारे लोग जानते हैं आजादी के समय पर भी बहुत सारे लोगों ने इस तरह के विचार फैलाने की कोशिश की। ये आरएसएस खुद ही, जो आरएसएस के लोग हैं, वो खुद ही बार बार अंग्रेजों से माफी मांग कर अपना दुकान चलाते रहे, अपना धंधा चलाते रहे, लेकिन आजादी के समय भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, अशफाकुल्ला खान जैसे लोग रहे, जिन्होंने बोला इस समाज में कि हम आप जितना भी एंजाइटी फैलाइए इस समाज में, आप जितना भी इस तरह के नकारात्मक विचार फैलाइए, लेकिन आज हम इस समय की जरूरत को महसूस कर रहे हैं। हम इस समय की जरूरत को महसूस करते हुए हमारे लिए सबसे बड़ी अगर कोई शिक्षा की प्रयोगशाला होगी वो आजादी का आंदोलन होगा, और उन्होंने आजादी का आंदोलन लड़ा और लड़के इस देश में आजादी को स्थापित करा है। इस चीज को हमको रिलाइज करना होगा, हमको इस चीज को रिलाइज करना होगा कि तमाम लोगों ने इस देश में कुर्बानियां देके वाकई में इस देश में आजादी की संकल्पना को रखा था, जिसमें भगत सिंह ने साफ साफ कहा था कि इस देश में आजादी तो तभी आएगी जब समाज बदल जाएगा। जब समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े वाले लोग भी अपनी बात को रख पाएंगे, अपने लिए एक बेहतर समाज देख पाएंगे, और इस चीज को आज आने वाले समय में जो तमाम आंदोलन हम लोग लेकर चलेंगे उसमें इस चीज को स्थापित करना बहुत जरूरी है। हमको स्थापित करना बहुत जरूरी है कि आने वाले समय में जो लोग अपनी बातों को कहना चाहते हैं, जो लोग इस समाज में अंधश्रद्धा और ऐसी तमाम चीजों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, संगीरों की पूंगापंथी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, वो लोग लड़ सकते। अभी कुछ दिनों पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नाम का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको हम लोग एबीवीपी और अखिल भारतीय वॉलेंस परिषद भी कहते हैं, वो उसने एक हमारे वहां एक सेमिनार कराया, जिस सेमिनार का टॉपिक था एक भारत, और उस सेमिनार में एक भारत के नाम पे सारे ऐसे लोगों को बुलाया गया जो भारत को बांटने में मशगूल है। आप सारे लोग जानते हैं सनातन संस्था आपके महाराष्ट्र में काफी फेमस है, और इसलिए भी फेमस है क्योंकि दोनों नेशनलिस्ट लोग जो अंधश्रद्धा के खिलाफ लड़ रहे थे, दाभोलकर और पानसारे, उनकी हत्या करवाई इसी संस्था के लोगों ने, और ऐसे संस्था को बुला के वहां पे एक सेमिनार कराया गया। जिस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर एक छोटी सी छोटी आवाज उठने पे थोड़ा आग बबूला हो जाता है कि कैसे ये बात हो रही है, कैसे बात हो रही है, आज आप लोग समाज को बेहतर बनाने पे, गरीबी हटाने पे कैसे बात कर रहे हैं। उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इस सेमिनार से कोई दिक्कत नहीं, उस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को इससे कोई दिक्कत नहीं हुई कि सनातन संस्था हिंदू मंगल काजी, जो आप जानते हैं पेरुमल मुर्मू को इस बात के लिए मजबूर किया कि वो अपनी किताब विड्रॉ करे, ऐसे लोगों को बुला के सेमिनार करा है। आप समझ सकते हैं कि आज हमारी यूनिवर्सिटीज में किस तरह के विचार को खेला जा रहा है। तो ऐसे समय में साथियों, उस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि वाकई में स्टूडेंट मूवमेंट आज वाकई में कोई एकजुटता की परिभाषा दी है, छात्र आंदोलन कैसा होगा, कैसा स्वरूप होगा, और देश में जब हम तमाम जगहों पर घूम घूम के इस बात को रखते हैं, तो इसी बात को रखते हैं कि आज देश में यूनाइटेड मूवमेंट की जरूरत इसीलिए है क्योंकि संघ गिरोह के सपने को हराते हुए अपने समाजवाद के सपने को स्थापित करना है। आज जब हम लोग तमाम लोग साथ में लड़ते हुए इस बात को बोलना चाहते हैं कि समाजवाद जिंदाबाद, सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, तो इस चीज को रियलाइज करना बहुत जरूरी है कि हम तमाम लोग इस संघ की रोग को हराते हुए, क्योंकि ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे सामने, क्योंकि ये नफरत करती, ये समाज को गर्त में ले जाने वाला विचार अभी सबसे बड़ा चुनौती है।
हमारे सामने, और इसीलिए हम लोगों का जो एका है वो इस चीज को स्थापित करता है कि इस विचार को हराते हुए इस समाजवाद को स्थापित करने की इस देश में जरूरत है। और इसीलिए फिर से इस चीज को दोहराते हुए कि समाज के जो अलग अलग हम तमाम लोग अलग अलग विचारधाराएं भी रखते हैं, जो वाकई में अपने समाज के जो बेहतरी का सपना है उसको अलग अलग तरीके से भी देखते हैं, वो लोग तमाम लोग आज एक मंच पर आए, एक जगह पर आकर इस बात को बोले कि सांप्रदायिकता मुर्दाबाद, समाजवाद जिंदाबाद और बेहतर समाज का सपना जिंदाबाद। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। एक बार फिर से हम लोग चाहते हैं कि वो आजादी का नारा लगे, जिसको लेके हम लोगों को एंटी रेसिज्म बोला गया था, लेकिन इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि सब वास्ते आजादी कहना कोई एंटी रेसिज्म काम नहीं होता है, भुखमरी से आजादी और गरीबी से आजादी कहना कोई एंटी रेसिज्म काम नहीं होता है। इसलिए भुखमरी से आजादी, आजादी है आजादी, तो भूखे छोड़ो आजादी, तो संघवाद से आजादी, तो जातिवाद से आजादी, तो मिलके बोलो आजादी, तो लड़के लेंगे आजादी, तो ठीक लेंगे आजादी, तो मोदी राज से आजादी, तो मनुवाद से आजादी, तो महिला मांगो आजादी, तो दलित मांगो आजादी, स्टूडेंट मांगो आजादी, तो ठीक लेंगे आजादी। शुक्रिया।